सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर की सीरीज का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर की वर्किंग और कंपोनेंट को अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस सेकेंड वीडियो में देखिए हम कंप्यूटर की जनरेशन और कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझेंगे। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लास्ट में मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी रखा है, तो टेस्ट भी जरूर लगाइएगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से बढ़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर की जनरेशन से इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर के विकास की बात करते हैं तो अबेकस से इसकी शुरुआत हुई थी और माइक्रो प्रोसेसर में ये परिवर्तित हो गया। इतिहास में सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए अबेकस का ही उपयोग किया जाता था। इसके बाद में पास्कल कैलकुलेटर आए थे और फाइनली फिर 1946 में विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या था? एनियक। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। एनियक का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही भारी कंप्यूटर था। इसका निर्माण किसने करा था? जॉन मॉशले और जे प्रेस्पर एकर्ट ने। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, आगे चलकर समय समय में नई नई तकनीक के कंप्यूटर अस्तित्व में आने लगे थे और वर्तमान में विश्व के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर तक हम पहुंच पाए हैं। तो पहले कंप्यूटर के बनने से सुपर कंप्यूटर तक के समय अंतराल को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। 1942 से 1955 तक का समय अंतराल था। इस समय में जो भी कंप्यूटर बने वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहलाए थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर में मेमोरी और सर्किट निर्माण में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। ठीक है, अब वैक्यूम ट्यूब क्या थी? एक ऐसी यूनिट होती थी जिसका काम निर्वात में, मतलब वैक्यूम में, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना होता था। ओके, इसी नली में इलेक्ट्रॉन जो थे वो कैथोड से एनोड की तरफ वैक्यूम में गति करते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े थे और इनको इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज, मतलब मेमोरी के लिए, मैग्नेटिक ड्रम्स का उपयोग होता था। और साथ ही इस जनरेशन के कंप्यूटर में लो लेवल लैंग्वेज जो थी 01, उसे यूज़ किया जाता था। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एनियक, IBM 650, ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। देखिए, इस जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि पहली चीज़ तो ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे, और सेकेंड चीज़ देखिए, यहाँ पर सर्किट निर्माण में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब में करंट फ्लो होने की वजह से वैक्यूम ट्यूब बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते थे, जिन्हें ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर रूम की ज़रूरत होती थी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो इस तरीके से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर आगे देखिए, समय बढ़ा और हम बात करते हैं अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की, जो समय काल चला था 1955 से लेकर 1964। इस समय के बीच में जो भी कंप्यूटर बने वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कहलाए थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर में देखिए, वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का उपयोग होना शुरू हुआ था। ट्रांजिस्टर कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था, और सर्किट में स्विच की तरह काम करते थे। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज जो था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से छोटा था। मेमोरी के लिए यहाँ पर भी देखिए, मैग्नेटिक ड्रम्स का उपयोग होता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होना शुरू हुई थी, जैसे कोबोल, फोर्ट्रन। ये जो देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये मैं आगे चलकर आपको एक सेपरेट लेक्चर में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल की, तो हनीवेल 200, IBM 1401, ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब को। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो उसकी जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज़ करा। पर ट्रांजिस्टर का उपयोग भी देखिए करना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ट्रांजिस्टर के उपयोग से भी एनर्जी जो थी वो उत्पन्न होना कम नहीं हुई थी, इसलिए सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आगे देखिए, हम बात करते हैं अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। इसका समय काल चला था 1965 से लेकर 1974। देखिए, प्रॉब्लम क्या आ रही थी? वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर के उपयोग से बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, जो कि कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड पार्ट को डैमेज कर देती थी। इसीलिए थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह पर क्या यूज़ हुआ? IC का यूज़ होना स्टार्ट हुआ। IC का देखिए मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, IC का आविष्कार किसने करा था, ये भी ध्यान रखिएगा। जैक किल्वी ने IC का आविष्कार किया था। इसकी मदद से कंप्यूटर के मैक्सिमम पार्ट को एक चिप पर इंटीग्रेट किया गया था, जिसके कारण कंप्यूटर जो थे वो तेज वर्किंग वाले बनने लगे थे।
इस जनरेशन के कंप्यूटर में भी हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो यूज़ हुई थी, जैसे कि फोर्ट्रॉन 2, 3, 4, पास्कल, इस तरीके से ये कंप्यूटर की देखिए हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होना स्टार्ट हुई थी। पहली बार इस पीढ़ी में रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज़ होना शुरू हुआ था। इसी पीढ़ी में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हुआ था, और ध्यान रखिएगा इसी पीढ़ी के दौरान पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 का विकास भी हुआ था थर्ड जनरेशन में ही। ओके, अब देखिए बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल की, तो IBM 360 ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एक एग्जांपल है। तो ये हमने देखिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को अच्छे से डिस्कस करा। फर्स्ट जनरेशन में देखिए क्या यूज़ हो रहा था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। सेकेंड जनरेशन में उसकी जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर को हटाकर वहाँ पर IC का यूज़ होना स्टार्ट हुआ। अब बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। फोर्थ जनरेशन का देखिए टाइम काल चला था 1974 से 1989। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम काल था ये, जहाँ पर एकदम से कंप्यूटर के देखे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिला था। इस पीढ़ी में LSI और VLSI चिप का विकास हुआ था। इनके यूज़ से कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई थी। LSI VLSI क्या है, चलिए इसको समझते हैं। LSI का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो LSI और VLSI चिप में लाखों कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया गया था। कंपोनेंट्स कौन कौन से, जैसे कि ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इन सबको देखिए इंटीग्रेटेड किया गया था। इसी पीढ़ी में पहली बार माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, जिसका नाम क्या था, Altair 8000। ओके, साथ ही IBM ने पहला पर्सनल कंप्यूटर भी इसी पीढ़ी में लॉन्च किया था, जिसका यूज़ घर, ऑफिस, स्कूल में होना स्टार्ट हुआ था। IBM देखिए क्या है, अमेरिका की एक कंप्यूटर कंपनी है। इसका फुल फॉर्म क्या है IBM का, ये भी ध्यान रखिएगा, 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म होता है। ओके, अब देखिए फोर्थ जनरेशन में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इन्वेंटेड हुई थी, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, जैसे कई सारी हैंड होल्ड डिवाइस का विकास हुआ। MS-DOS, MS-Windows ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। हाई स्पीड नेटवर्क लैन वैन का निर्माण हुआ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण इसी जनरेशन में हुआ था। ओके, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, ये हमने फोर्थ जनरेशन देखिए डिस्कस करा 1974 से 1989। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बाद देखिए बात करते हैं हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की। तो इसका टाइम स्टार्ट होता है 1989 से ऑनवर्ड्स अभी तक। इस जनरेशन में ULSI चिप का निर्माण हुआ। ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। इस चिप पर करोड़ों इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को इंटीग्रेट किया गया, जिसकी हेल्प से करोड़ों कैलकुलेशन जो है वो इजीली पॉसिबल हो पाए हैं। स्टोरेज के लिए देखिए यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ, साथ ही इंटरनेट, ईमेल, WWW का भी विकास इसी जनरेशन के दौरान देखने को मिला। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो IBM नोटबुक, सुपर कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद भी देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में विकास जो है कंटिन्यूसली चल रहा है। अभी भी आने वाले कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने का प्रयास चल रहा है। इसमें क्या होगा, देखिए कंप्यूटर जो है वो खुद सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ले सके, तो ऐसे कंप्यूटर पे भी काम जो है कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ये हमने देखिए यहाँ पर कंप्यूटर के जनरेशन को अच्छे से डिस्कस करा। जितना मैंने आपको बताया अच्छे से आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको इन्हीं पॉइंट्स में से देखने को मिलेगा। तो जनरेशन देखिए डिस्कस कर लिया हमने, इसके बाद देखिए हम बात करते हैं अब कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन की। तो कंप्यूटर को दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, एक कार्यप्रणाली के हिसाब से और एक आकार के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से, ठीक है। तो मैकेनिज्म कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा आपको देखिए यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक बार सुनना है। एक बार आपने अच्छे से सुन लिया तो आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। साइज के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन की, तो कंप्यूटर देखिए कितने टाइप के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ओके, चलिए सबसे पहले हम कार्यप्रणाली के हिसाब से कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमने बात करी थी कि तीन प्रकार के देखिए कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो वो कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ओके, जैसे प्रेशर, ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, हाइट, वोल्टेज, टेम्परेचर, इन सब फिजिकल क्वांटिटी को जो कंप्यूटर मेजर करता है उसे क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं, सिंपल। एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल की बात करते हैं तो देखिए थर्मोमीटर, ये एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर है जो कि तापमान, टेम्परेचर को मेजर करता है। गाड़ी का स्पीडोमीटर, वेट मशीन, ये सभी जो हैं एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं, क्लियर। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग जो होता है वो साइंस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है।
एनालॉग कंप्यूटर को किसी भी प्रकार की स्टोरेज की जरूरत नहीं होती है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो डिजिटल में देखिए वर्ड आता है डिजिट, जिसका मतलब क्या होता है, अंक। तो डिजिटल कंप्यूटर्स न्यूमेरिक डेटा को प्रोसेस करता है, साथ ही नॉन न्यूमेरिक डेटा को भी डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस करता है। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशन जो होता है वो परफॉर्म करता है। क्लियर। इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। अब देखिए, कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाइनरी सिस्टम का यूज़ करते हैं, मतलब 0-1 पर वो काम करते हैं। जो भी शब्द या अक्षर हम कंप्यूटर को इनपुट के फॉर्म में देते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेता है, 0-1 में कन्वर्ट कर लेता है और प्रोसेस करता है। तो ये हम देखिए पहले वाले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था। अब देखिए, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। इंटरटेनमेंट में, बैंकिंग में, बिजनेस में डिजिटल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद देखिए बात करते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड कंप्यूटर मेज़र भी करता है और कैलकुलेशन भी करता है, फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र भी करना और कैलकुलेशन भी करना, कैलकुलेशन वाले टास्क भी परफॉर्म करना, दोनों काम करता है ये हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पेट्रोल पंप की मशीन। जब भी आप पेट्रोल पंप पे देखिए, पेट्रोल डलान जाते हैं, तो वहाँ पर मशीन जो होती है वो पेट्रोल को लीटर में मेज़र करती हैं, और साथ ही जो भी उसने लीटर में मेज़र करा है, ठीक है, उस क्वांटिटी को प्राइस में भी कन्वर्ट कर देती हैं। दोनों चीज़ हमको वहाँ पर शो होती हैं, इतना लीटर पेट्रोल डला है, उसका प्राइस इतना हो गया है। तो पेट्रोल पंप की मशीन जो होती है वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्लियर। इसके अलावा देखिए, चिकित्सा, डिफेंस और रेडार सिस्टम में भी हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमने कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन को अच्छे समझा, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन की। तो जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है, तब से इनके साइज़ में कंटिन्यूसली बदलाव देखने को मिला है। तो चलिए सभी प्रकार को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए पहला आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। 1970 में इसका आविष्कार हुआ था। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। हम सभी वर्तमान में जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं, जिन्हें पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कैटेगरी में देखिए डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, ये सभी आते हैं। इस टाइप के कंप्यूटर का उपयोग जो होता है वो इंटरटेनमेंट और बिजनेस के लिए ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की, तो IBM, Compaq, Lenovo, HP, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। देखिए दो पॉइंट बता रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर जो था वो कौन सा था, सिद्धार्थ था। और पैकमैन नामक कंप्यूटर जो है वो खेल के लिए निर्मित हुआ था। पैकमैन नामक कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था और भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इसके बाद देखिए साइज़ के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो सेकंड नंबर पे आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर साइज़ और क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर 1965 में तैयार किया गया था। ये आकार में रेफ्रिजरेटर के बराबर दिखाई देते थे। माइक्रो कंप्यूटर में देखिए क्या होता है, एक CPU होता है, जबकि मिनी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा CPU होते हैं और एक से ज़्यादा व्यक्ति जो है वहाँ पर काम कर सकते हैं। मतलब मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर। ओके, स्मॉल कंपनीज़ में मिनी कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो AS400, HP 9000 मिनी कंप्यूटर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। मिनी कंप्यूटर के बाद आते हैं देखिए मेनफ्रेम कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर से साइज़ में बड़े और सुपर कंप्यूटर से साइज़ में छोटे होते हैं, पर फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, मेनफ्रेम कंप्यूटर। इस तरीके कंप्यूटर पर एक ही टाइम में 256 से ज़्यादा यूज़र काम कर सकते हैं। अमेरिका की IBM कंपनी जो है मेनफ्रेम कंप्यूटर को बनाने वाली पहली कंपनी है। अगर इसके उपयोग की बात करते हैं, मेनफ्रेम कंप्यूटर कहाँ यूज़ होते हैं, तो बैंकिंग में, अनुसंधान में, सरकारी विभागों में मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है IBM 370, IBM S390, ये सभी मेनफ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। ओके, इसके बाद देखिए बात करते हैं हम सुपर कंप्यूटर के बारे में। यहाँ से देखिए एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते हैं और अब तक का सबसे शक्तिशाली अगर कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो कौन से हैं, सुपर कंप्यूटर हैं। सुपर कंप्यूटर में हज़ारों माइक्रोप्रोसेसर लगे होते हैं, मतलब CPU लगे होते हैं, जो कि पैरेलल काम करते हैं। विश्व के अगर पहले सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो कब बना था, 1964 में बना था, जिसका नाम क्या था, CDC 6600। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1964 में बना था विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। इसका नाम क्या था, CDC 6600।
अगर बात करते हैं कि विश्व का सबसे सफल सुपर कंप्यूटर कब बना था, तो 1976 में बना था, जिसका नाम क्या था, क्रे वन। एक और चीज़ एग्जाम में पूछ लेते हैं, देखिए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है और किसने बनाया था और कब बना था। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000, जिसे बनाया गया था सीडेक द्वारा 1991 में। क्लियर। सुपर कंप्यूटर की देखिए खास बात क्या होती है कि यहाँ पर कई सारे व्यक्ति जो है एट ए टाइम काम कर सकते हैं और काम को छोटे छोटे देखिए हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, तो इसीलिए सुपर कंप्यूटर जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर इनके यूजेस की बात करते हैं तो एनिमेटेड ग्राफिक्स में, मौसम की भविष्यवाणी में, अंतरिक्ष यात्रा के एग्जीक्यूशन में सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये साइज़ के अकॉर्डिंग हमने कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन को अच्छे से डिस्कस करा, जिसमें हमने देखिए माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर को अच्छे से समझाएं। ठीक है, जितना मैंने आपको पॉइंट्स बताए बस उतना ही आपको दिमाग में रखना है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने जनरेशन को अच्छे से सबसे पहले डिस्कस करा, उसके बाद में कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। अब बारी है दोस्तों टेस्ट लगाने की। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, तो अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो आप ये सारे क्वेश्चन जो हैं बड़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए टेस्ट की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस हैं, पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? अबेकस। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस क्षेत्र के लिए बनाया गया था? किस क्षेत्र के लिए बनाया गया था? खेल क्षेत्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? देखिए सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। बी आंसर यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, क्रे क्या है? तो देखिए हमने डिस्कस करा था, क्रे वन जो है वो 1976 में बना सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। तो क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर है। डी आंसर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? देखिए भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और भारत में निर्मित पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? परम 8000। दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? परम कंप्यूटर जो है एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। माइक्रोप्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रोप्रोसेसर का निर्माण कब हुआ था? 1971 में। फोर्थ जनरेशन में देखिए माइक्रोप्रोसेसर का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर डी आंसर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था? देखिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का क्या दोष था? एक तो साइज में काफ़ी बड़े थे, और सेकेंड ऊष्मा मतलब एनर्जी की उत्पत्ति जो थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। तो देखिए ऑप्शन छोटा आकार, बड़ा आकार, ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, ऊष्मा की उत्पत्ति तो बहुत ज़्यादा होती थी, तो ये तो गलत हो गया, डी वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ बी वाला आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट थे? देखिए कौन से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट थे? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का यूज़ कब हुआ था? सेकेंड जनरेशन में, तो ये तो नहीं हो सकता। VLSI का देखिए यहाँ पर फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुआ था। वैक्यूम ट्यूब का देखिए उपयोग हुआ था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, तो सी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC का विकास किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसने करा था? JS Kilby ने। सी आंसर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? देखिए परम सुपर कंप्यूटर जो है उसका विकास किसने करा था? सीडेक ने करा था 1991 में। इंटीग्रेटेड सर्किट IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? देखिए IC के आविष्कार से तीसरी पीढ़ी जो थी वो स्टार्ट हुई थी, थर्ड जनरेशन स्टार्ट हो गई थी। सी आंसर। सुपर कंप्यूटर डैश मेनफ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं। गलत। अधिकांश घरों में आम हैं। सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। बिल्कुल ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। बहुत सारे यहाँ पर CPU लगे होते हैं जो कि पैरेलली वर्क करते हैं सुपर कंप्यूटर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? CD-ROM, RAM, रजिस्टर्स या कैच? देखिए पहला वाला लेक्चर आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था तीनों जो है वो मेमोरी टाइप है, और सबसे देखिए फास्ट मेमोरी जो होती है वो कौन सी होती है? रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज होती है। सी आंसर। किसने सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? ENIAC को किसने बनाया था? प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉशले ने 1946 में। सी आंसर।
इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? देखिए ENIAC यहाँ पर ए आंसर सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर द्वारा डेटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है? देखिए डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए किस सिस्टम का यूज़ करते हैं? बाइनरी सिस्टम का यूज़ करते हैं। 01 के फॉर्म में ही वो समझ सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। SSC देखिए 2017 का क्वेश्चन है ये। विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? CDC 6600। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे अगर आपने वो ध्यान से सुने होंगे तो आपने टेस्ट बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, एक दो बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही करके आएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।